नमस्कार, मैं लेखशेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टेरेटोजेनेसिस के बारे में बताया था, विरूप उत्पत्ति के बारे में बताया था। क्या होता है टेरेटोजेनेसिस, क्या है विरूप उत्पत्ति? सामान्य ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट के द्वारा सामान्य बेबी का बर्थ होता है, लेकिन अगर ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट में ही कुछ एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाए तो जो बेबी जन्म लेगा वो भी एबनॉर्मल होगा और इसे ही टेरेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि टेरेटोजेनेसिस टू टाइप का होता है, या जो टेरेटोजेनेसिस या विरूप उत्पत्ति के दौरान जो असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है, जो एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है, वो टू टाइप की होती है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज जिसे संरचनात्मक असंगतियाँ कहते हैं, और दूसरी होती है फंक्शनल एनोमलीज जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कार्यात्मक असंगतियाँ कहते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने जब वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने बता दिया था आपको कि स्ट्रक्चरल एनोमलीज क्या होती है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज में किसी भी एनिमल के फिनोटाइप के अंदर चेंज हो जाता है, वो बाहर से कैसा दिख रहा है उसे उसका फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं, उसमें ही चेंज हो जाता है। जैसे कि पैर नहीं, जैसे फुट का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेग का, फुट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक कान का जो ईयर है इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, होठों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आईज का डेवलपमेंट नहीं हुआ ठीक से, कौन सी एनोमलीज उत्पन्न हो रही है बॉडी में? स्ट्रक्चरल एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज उत्पन्न होती है, स्ट्रक्चरल एनोमलीज जो उत्पन्न हो रही है ना बच्चों, वो हो रही है फिनोटाइप में चेंज के कारण। और फिनोटाइप में चेंज किसके कारण हो रहा है? जीनोटाइप में चेंज के कारण। अगर जीन में परिवर्तन होगा तो शारीरिक संरचना में परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत से दूसरे कारण भी है, कुछ अदर रीजंस भी है जिसके द्वारा एनिमल के अंदर स्ट्रक्चरल एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है, संरचनात्मक असंगतियां उत्पन्न हो जाती है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डेवलपमेंटल फेलियर के बारे में। डेवलपमेंटल फेलियर का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट में ही फेलियर हो जाता है, या तो डेवलपमेंट क्या होता है कम होगा या डेवलपमेंट होगा ही नहीं। अगर क्या हो रहा है यहां पर, डेवलपमेंट अनकंप्लीट है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तो उसके कारण क्या होगा, कोई जो ऑर्गन है वो अनडेवलप्ड रह जाएगा। जैसे कि हाथ का ही डेवलप नहीं हो पाया, हाथ है तो सही शरीर में, आर्म है तो सही लेकिन आधा अधूरा है, पैर है शरीर में, बॉडी में फिट है लेकिन आधा अधूरा है, काम का नहीं है। या अगर डेवलपमेंट ही नहीं हो तो फिर क्या होगा, जो बेबी जन्म ले रहा है उसमें ना तो फुट होगा ना उसमें आर्म होगा, उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये बताया था आपको डेवलपमेंटल फेलियर के अंदर, किसके एग्जाम्पल है, ये स्ट्रक्चरल एनोमलीज के एग्जाम्पल है। आज सेकेंड नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंटल अरेस्ट के बारे में देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे डेवलपमेंटल एक्सेस के बारे में, फिर फ्यूजन एंड स्प्लिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ सब डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, स्ट्रक्चरल एनोमलीज के ही ये एग्जाम्पल है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, डेवलपमेंटल अरेस्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ से कम ग्रोथ का होना भी एक प्रकार की एनोमलीज है या असंगति है। डेवलपमेंटल अरेस्ट को रुद्ध परिवर्तन भी कहते हैं, और रुद्ध परिवर्तन का मतलब क्या है, जो सामान्य जो वृद्धि है उससे कम वृद्धि का पाया जाना ही क्या है, एक प्रकार की एनोमलीज है, एक प्रकार की असंगति है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एकेंड्रोप्लास्टिक ड्राफ्ट, इसको उपास्ती, अविक्सन, वामन रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो ये एकेंड्रोप्लास्टिक जो ड्राफिज्म जो रोग है, यह स्ट्रक्चरल एनोमलीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। क्या होता है इस डिजीज के अंदर, जो बेबी जन्म लेता है ना, जब वो अडल्ट होता है तो अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में उसकी हाइट कम ही रह जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो बोन्स पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, जो बॉडी के अंदर बोन्स पाई जा रही है, और जो बॉडी के अंदर उपास्थियां पाई जा रही है, मतलब जो कार्टिलेज पाई जा रही है, उसका डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बेबी क्या हो जाता है, बोना ही रह जाता है। और एग्जांपल देखिए, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है,
खंड तालु रोग है ये। कौन सा रोग है, इसे क्या बोलेंगे? खंड तालु रोग हो जाना। क्लेफ्ट पैलेट मतलब खंड तालु रोग हो जाना। देखो यहाँ पर आप देखिए, ये एक अच्छा सा एक कोई लड़का है, अच्छा सा स्मार्ट सा। अब देखिए इसके चेहरे देखिए आप, इसके होंठ भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक आ रही है बात आपको समझ में? अब क्या हो जाए अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मतलब नीचे वाला होंठ तो नॉर्मल है लेकिन ऊपर वाला जो होंठ है और जो ऊपर वाला जो प्लेट है मतलब तालु है वहां पर कट लग गया, तो इसी रोग को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्लेफ्ट पैलेट डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो होंठ है उसके अंदर एक क्लेफ्ट उत्पन्न हो जाती है, एक दरार उत्पन्न हो जाती है। और जो तालु है, तालु क्या होता है? ये प्लेट मतलब होता है तालु, प्लेट मतलब होता है तालु। तालु क्या है? जहां पर आपकी जीभ टच करती है, तय बोलते समय जहां जीभ टच करती है ना मुंह के अंदर, हमारी टोंग टच करती जहां, वो है तालु पैलेट। उसके अंदर भी कट लग जाता है पूरा अंदर तक, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया, हर्निया अम्बिलिकल हर्निया के अंदर क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इसकी नाभि है, यहां पर आप जानते हो पेट के ऊपर होती है, एब्डोमिन के ऊपर, तो यहां पर इसकी ये जो इंटेस्टाइन है ये कभी कभी क्या होती है, ज्यादा ही ग्रोथ कर जाती है और ये धीरे धीरे है ना इस नाभि पर प्रेशर डालती है, तो यहां पर एक गांठ सी बन जाती है। आंत जो इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे नाभि से बाहर आने का प्रयास करती है लेकिन आ नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर तो स्किन की लेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है। डबल यूटेरस का पाया जाना, कभी कभी जो जैसे किसी फीमेल बेबी ने जन्म लिया उसमें दो दो गर्भाशय पाए जा रहे हैं लेकिन दोनों ही काम के नहीं होते हैं क्योंकि वो तो डिजीज है। ठीक है, और क्या है? इन्फेंटाइल यूटेरस का भी पाया जाना। ये सभी किसके उदाहरण है? डेवलपमेंटल अरेस्ट के एग्जाम्पल है। अब आप देखिए डेवलपमेंटल एक्सेस, डेवलपमेंटल एक्सेस का मतलब क्या है? सामान्य से अधिक परिवर्धन हो जाने कोई, सामान्य से अधिक परिवर्धन हो जाने कोई क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एक्सेस कहते हैं। परिवर्धन अतिरेक नाम से भी इसे हिंदी में जाना जाता है। नॉर्मल से अधिक ग्रोथ भी स्ट्रक्चरल एनोमलीज का ही एक एग्जाम्पल है। सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाए तो ये भी क्या है? एक प्रकार की स्ट्रक्चरल एनोमलीज है। जैसे कि आप हमारे जो खलीजी हैं, ग्रेट खलीजी, उनको देखिए, उनकी जो ग्रोथ है वो सामान्य से अधिक हो गई, तो ये भी एक प्रकार की क्या है? डेवलपमेंटल एक्सेस के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, पॉलीडेक्टाइलस, सिक्स फिंगर का पाया जाना। सामान्यतः हमारी हैंड में कितनी होती है फिंगर? फाइव ही तो होती है, लेकिन छः उंगलियों का पाया जाना, हेमीडेक्टाइलस डिजीज कहेंगे इसे। ठीक है, ये भी क्या है? प्रकार का, एक प्रकार का डेवलपमेंटल एक्सेस ही है। ठीक है, ट्रू ट्विन्स का पाया जाना। ट्रू ट्विन्स क्या होते हैं? वास्तविक जुड़वे या सच्चे जुड़वे के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये होते हैं ना, ये वास्तविक जुड़वे, ये आपस में क्या होते हैं? ये आपस के अंदर जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रू ट्विन्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फ्यूजन एंड स्प्लिटिंग, संगलन या विपाटन से संबंधित कभी कभी एनोमलीज भी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हॉर्स शूज किडनी का बन जाना। ठीक है, क्लेफ्ट यूटेरस का पाया जाना। क्या है? कभी कभी क्या होता है, दो अंग एम्ब्रियो के अंदर, कभी कभी जो टू ऑर्गन है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट के दौरान जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे किडनी अलग अलग होती है, एक किडनी इधर पाई जाती है दाईं तरफ, एक इधर पाई जाती है बाईं तरफ, एक राइट हैंड साइड पाई जाती है, एक लेफ्ट हैंड साइड पाई जाती है। लेकिन अगर दोनों किडनी जुड़ जाए, दोनों किडनी, देखो आपने तो ऐसे देखा होगा ना, किडनी ऐसी होती है, ऐसी तो होती किडनी, लेकिन अगर दोनों किडनी क्या हो जाए, ऐसे जुड़ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? हॉर्स शू किडनी बोलेंगे, घोड़े के नाल के समान किडनी के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लिफ्ट यूटेरस का पाया जाना, यूटेरस का खंडों में बढ़ जाना, यूटेरस काम का ही नहीं रहेगा, बेबी का डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाएगा गर्भाशय के अंदर। ठीक है, और देखिए आप, फेलर और फेलियर ऑफ सब डिविजन, फेलियर ऑफ सब डिविजन, विभाजन की विफलता। एम्ब्रियो में कुछ ऑर्गन एक रीजन में बनते हैं तथा बाद में अलग हो जाते हैं, अगर ये ऑर्गन अलग ना हो पाए तो फेलर ऑफ सब डिवीजन नाम की स्ट्रक्चरल एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, शरीर के अंदर हमारे ना दो दो ऑर्गन पाए जाते हैं, आप देखते हैं आंखें भी दो है, कान भी दो है, किडनी भी दो है, टेस्टिस भी दो है,
ठीक है, फिंगर्स दो से अधिक है, ठीक है, लेग भी हमारे दो हैं, आर्म भी हमारे दो हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो दो ऑर्गन पाए जा रहे हैं ना बॉडी में, वो एम्ब्रियो में एक ही जगह पर फॉर्मेशन होता है उनका, एक ही रीजन में वो बनते हैं, और बनने के बाद में फिर वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अलग ही ना हो पाए, पृथक ना हो पाए, तो वहां पर भी एक स्ट्रक्चरल एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फेलर ऑफ सब डिविजन के नाम से जाना जाता है, या विभाजन की विफलता के नाम से उसे जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बोथ आईज पृथक ना हो पाए तो साइक्लोपिया नामक डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। अगर दोनों आंखें ही पृथक ना हो पाए तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपिया कहेंगे। ऐसा दिखाई देता है बच्चा, साइक्लोपिया के अंदर बीच में केवल एक ही आंख होती है उसके, और ये इसकी नाक है और ये इसका मुंह है, साइक्लोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, साइक्लोपिया हो जाता है। फिंगर्स पृथक न हो पाए तो सिंडेक्टाइल नाम का, सिंडेक्टाइली नामक डिजीज हो जाती है। अंगुलियां चिपकी रह जाए, खुल नहीं पा रही है, झिल्ली बन गई उंगलियों के बीच में, चिपक जाती है। अगर दोनों अभी फिंगर, अगर फिंगर पृथक न हो पाए तो सिंडेक्टाइली नामक डिजीज हो जाती है। लेग के पृथक न हो पाने पर सिम्पोडिया नामक डिजीज हो जाती है। अगर लेग पृथक नहीं हो रहा तो सिम्पोडिया डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चरल एनोमली समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनोमलीज के बारे में, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक भयानक डिजीज के बारे में जिसे कैंसर के नाम से जाना जाता है। सभी आप पढ़िए, रोज वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए।